हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, आज मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ सिंपल पनीर की सब्ज़ी। देखिए, मैंने पनीर के टुकड़े मोटे मोटे काट रखे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं। और ये मटर है, ये मटर भी उबले हुए हैं इसलिए ऐसे हो रहे, कोई ज़्यादा हो गया। ये प्याज है, प्याज भी मैंने मोटा काटा है। ये टमाटर है, हालांकि मैंने पहले भी पनीर की सब्ज़ी डाली है, पर मैंने सोचा आज मैं घर के लिए बना रही थी तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये अदरक है, ये लहसुन है और ये हरी मिर्ची है। 2 से 3 हरी मिर्ची ले रखी है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा मैं स्पाइसी बनाती हूँ। देखिए गाइस, प्याज मैंने मोटा मोटा ही कट कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और प्याज भी बहुत जल्दी कट जाता है। मैं इसको ऐसे करके सभी प्याज को खोल लूँगी। कभी भी जल्दीबाजी में अगर पनीर की सब्ज़ी बनानी हो, सबसे अच्छा वो है कि मोटा मोटा बहुत जल्दी कट जाते हैं। ये देखिए गैस, इस तरीके से मैंने ये प्याज खोल दी है। गैस, मैं बहुत ही इजी रेसिपी लेके आती हूँ जो नॉर्मली हम घरों में बनाते हैं। कोई ऐसी डिश नहीं लाती हूँ कि जिसमें मतलब ज़्यादा सामान चाहिए, लेकिन मैं ऐसी डिश लेके आती हूँ जिसमें बहुत कम सामान हो जाता है और नॉर्मली हर किसी के किचन में होता है। ये पनीर की सब्ज़ी भी आज मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। मुझे जल्दी बनानी थी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें मोटे प्याज का यूज़ करूँ। हालाँकि मैंने भी पहले डाल रखी रेसिपी, तो मैंने कहा ऋतु नहीं कि पहले डाल रखी, अब दोबारा ये हम उस खाने को खाएंगे नहीं। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है हम उसे बार बार बनाते ही नहीं बनाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी बना लेती हूँ। बस गैस, इतना ही प्याज यूज़ करूँगी मैं। वैसे फ्राई करने में भी अलग अलग हो ही जाता है ये इतना। और ये टमाटर। बस गैस, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं जो पनीर के टुकड़े हैं इनको फ्राई करूँगी। और कभी भी अगर आपको पनीर फ्राई करना हो तो ऑयल जो है एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर हल्के गर्म में अगर आप डालोगे तो जो पनीर है चिपक जाता है, और अगर तेज होगा तो एकदम फ्राई हो जाता है। चलिए, अब हम तेल गर्म करते हैं। गर्म होने दीजिए गाइस। इस पनीर को मैं देने वाली हूँ बिल्कुल पहाड़ी टच, यानी कुमाऊनी टच, जो हम लोग घर में बनाते हैं, हमारे मम्मी लोग पनीर बनाते हैं, मैं इसे उस तरीके से बनाने वाली हूँ, इसलिए ये थोड़ा हटके होगा। इसके मसाले हम अधिकतर सिलपट्टे में पीसते हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में पानी लूँगी, उसमें मसाले मुझे जितनी आवश्यकता अनुसार चाहिए उन्हें मैं पानी में थोड़ी देर भीगने दूँगी। इसके गर्म होने तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। देखिए गैस, मैंने पानी ले लिया। इस पनीर को मैं बिना पनीर मसाले के बनाने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब हम घरों में बनाते हैं तो इतने मसाले नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये मैंने हल्दी डाल दी, कम से कम आधे चम्मच के करीब है। ये बहुत कम मसाले में बनाऊंगी मैं इसे। और अब मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसे भीगने दूंगी। ऐसे मिक्स कर लेंगे गैस। ये होता है कि पहाड़ों में कोई सुविधा नहीं होती, तो ये वहाँ ये प्रॉब्लम होती कि कभी कभी कोई सामान नहीं भी मिलता है। 1-2 ऐसी दुकानें होती है, उसमें भी प्रॉपर सामान नहीं मिलता है, तो वहाँ की लेडीज़ जो होती है ऐसी ही खाना बनाती है। ये देखिए, इसमें हल्की हल्की कसूरी मेथी भी मिक्स है इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। यानी वहाँ पहाड़ों में जो भी सामान होता है उसी से ही खाना तैयार किया जाता है। और वाकई में इस खाने में ये नहीं लगेगा कि इसमें इतने ज़्यादा और मसाले यूज़ नहीं, टेस्ट बिल्कुल वो और बेहतरीन टेगा। मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं पनीर डाल दूँगी। आराम से छोड़ते जाइए। आज एकदम मैं ये अपनी फैमिली में अपनी मम्मी की रेसिपी लेके आई हूँ,
वो बहुत कम मसालों में खाना बनाते हैं और उनके हाथ का खाने का टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि उसमें एक्स्ट्रा मसाले पड़े ही नहीं। और ये नहीं कि मम्मी के हाथ का खाना सभी को पसंद है, चलो बच्चे को तो अपनी माँ का पसंद ही होता है चाहे वो कैसे भी बनाए, लेकिन ये भी है कि मेरी मम्मी के हाथ का मैगी नहीं बल्कि सबको पसंद है। हमारे पूरी फैमिली में मेरी मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ थोड़ा अपना मिला रखा मैंने इसमें और कुछ अपनी मम्मी का यूज़ किया है। देखिएगा इसे ज़्यादा करारा नहीं बनाना है, इसको निकाल लेती हूँ मैं। देखिएगा इस ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है, इसमें मैंने ये अदरक डाला है और अदरक के बाद डालूंगी गाइस मैं इसमें लहसुन। हम लोग जो होते हैं ज़्यादा ऑयली खाते हैं पर हम फिरते नहीं होते, जिस पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं फिर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा चलना होता है, इसके वजह से भी वो लोग मोटे नहीं होते हैं। इसको हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। देखिए गाइस मैं इसे हल्का फ्राई कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और इसके साथ साथ इसमें प्याज भी डाल देती हूँ। गैस प्याज डाल दे और मैं इसी में ही ये काली मिर्च डाल दी, कुछ थे मैंने ऐसे पहले डालना भूल गई इसलिए मैंने अभी डाल दी, मैंने इसमें ज़्यादा गरम मसाले का यूज नहीं करा है। अब इसको हल्का ब्राउन होने दूंगी, गैस ब्राउन होने के लिए यहाँ तो हल्की सी हल्दी डाल दीजिए और यहाँ हल्का सा नमक, मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। अब इसको हल्का ब्राउन होने दूंगी, फिर इसमें मसाले डालूंगी, टमाटर डालूंगी। मैंने ये एकदम ब्राउन करा है, ये देखिए आपको जला हुआ भी दिख रहा होगा ये। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं अभी ही, ताकि इसके साथ टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। इसमें नमक डाल देती हूँ, कम से कम आधे चम्मच के करीब डालने हैं, मैंने हाथ से डाला है। और गैस में इसी में मसाले भी डाल दूँगी, उनको अच्छे से हिलाना है, हिलाने के बाद मसाले डालने साथ साथ ही पक जाते हैं। अब मैं इसे पकने दूंगी आज पे, कम से कम 2-3 मिनट के लिए पकने दूंगी फिर चलाऊंगी। कम से कम 2-3 मिनट मैंने पका दी इसको, थोड़ा सा टमाटर को ऐसे ही मेस कर लूँगी। ऐसे मेरी मम्मी की रेसिपी है और मैंने इसमें सिर्फ अपना क्या तड़का लगाया पता है, मैंने इसमें ग्रेवी के लिए दूध का यूज़ किया है। अब मैं दूध के साथ भी इसको पकाऊंगी और मैं इसी में मटर भी डाल दूंगी। देखिए इसको मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दूध बढ़ा के डाल सकते हो, मैंने इतना ही डाला है। देखिए गाइस ये इसकी ग्रेवी तैयार है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मेस करा हुआ पनीर। देखिए अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, इसे ग्रेवी में यूज करने से भी बहुत अच्छा वो आता है, टेस्ट आता है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी जितना मुझे पानी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाऊंगी, बस इतना ही। अब मैं इसे पकने दूंगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के लिए इसलिए मैंने इतनी। देखिए अब मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्या इसे 7-8 भी पका सकती हूँ, इसे ढक के रख देती हूँ। मेरी सब्जी पक चुकी है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। गाइस पनीर ऑलरेडी पका हुआ है, अब मैं इसको बहुत से बहुत 1 मिनट पकाऊंगी और इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
शेयर और कमेंट कीजिए और फुल वॉच करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस। हेलो एवरीवन, रीना जूजे जूनियर माय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मेरी सब्जी बनके तैयार है, कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल मत, फुल वॉच करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।